हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से सैंडविच बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, प्याज और एक चुकंदर, और ये धनिया पत्ती मैंने धो के काट ली है। अब सबसे पहले हमें इन्हें काट लेना है। तो ये मैं पहले प्याज को छील के रख दिया एक साइड, और चुकंदर को ऊपर का छिलका इसका अलग कर देना है, और फिर इसे कद्दूकस कर लेना है, और टमाटर को बारीक बारीक काट लेना है। तो ये टमाटर मैंने काट लिया, इसी प्रकार से प्याज को भी काट लेना है और चुकंदर को कद्दूकस कर लेना है। ये मैंने धनिया पत्ती ली है और ये ब्रेड की स्लाइसें ली हैं। अब सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देना है, और उसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अब जैसे ये गर्म हो जाता है तो इसमें जितने भी कटे हुए प्याज, टमाटर और चुकंदर है उसे डाल देना है इसमें, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। अब मैंने सभी कुछ इसमें मिला दिया है, प्याज, चुकंदर और टमाटर भी इसी में डाल देने हैं। टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है इसलिए इसे लास्ट में डाल रहे हैं, और 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो ये देखिए, ये मिक्स कर लिया सब, और अब इसमें मैं सॉस मिला रही हूँ। और अब इसे मिक्स कर लेंगे, और लीजिए सैंडविच का मसाला तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे, और अब तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे, और इसमें 1 टीस्पून मैंने ऑयल फैला दिया है। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, और अब ब्रेड की स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे, और इसे एक साइड से और फिर दूसरे साइड से सेक लेंगे हल्का सा, और अब इसे पलट देंगे इस प्रकार से, और अब इसके ऊपर जो मिश्रण हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर फैला देना है। तो इस प्रकार से इसे पूरे में फैला लिया है, ये देखिए। और अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, ये काला नमक डाल दिया, और इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च, और फिर धनिया पत्ती डाल देंगे इसके ऊपर, अब दूसरी स्लाइस में टोमेटो सॉस लगा देंगे। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, और इसे दूसरी ब्रेड के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे, और अब इसे दोनों साइड फिर से एक बार सेक लेंगे। इसके अलावा आप इस तरीके से भी सैंडविच बना सकते हैं। ब्रेड को इस प्रकार से फैला लीजिए, और उसके ऊपर मिश्रण लगा दीजिए, मसाला जो तैयार किया था उसे फैलाने के बाद, अब इसमें ये मसाला फैल गया, अब इसके ऊपर दूसरी स्लाइस पे सॉस लगा लीजिए, और इसे भी पूरे तरफ अच्छे से फैला लेंगे। और सॉस फैलाने के बाद अब इसमें मसाले के ऊपर मैंने ये चाट मसाला डाल दिया, काला नमक डाल दिया थोड़ा सा, और मिर्ची आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, और ये धनिया पत्ती मैंने इसमें फैला दिया है। तो बच्चों को ऐसी सैंडविच बना के देने में, बच्चे चुकंदर भी खा लेते हैं क्योंकि सलाद के रूप में तो वो खाते नहीं, तो इस प्रकार से सैंडविच बनाने से वो खा लेते हैं इसे। तो बच्चों, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताइएगा। तो इस प्रकार से इसे सेक लेना है दोनों साइड से, और लीजिए सैंडविच तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इन्हें तिकोने रूप में काट कर फिर इसे सर्व कर सकते हैं। तो इसे बीच में से ऐसे काट लेना है, और ये लीजिए सैंडविच सर्व करने के लिए तैयार है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।